अपने आप में ईमानदार रहिए, अपने पूर्ण में ईमानदार रहिए और रेगुलर रूटीन पर करिए, रोज 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 एक दो दिन का फिर से नहीं करता। तो इन हैब्स ये है आज वो स्थिति है जो फिर अभी है कि वर्ल्ड वाइज जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड वाइज पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ की पॉपुलेशन है और 800 करोड़ में 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं। ओवरवेट होना और ओबीज होना, ओबेसिटी होना दोनों अलग अलग बात है। ओवरवेट का मतलब ये होता है कि हाइट अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए हमारा उस एक्चुअल वेट से 5 से 7 किलो ज्यादा होना ओवरवेट। तो 800 करोड़ में 200 करोड़ लोग अपनी हाइट से 5 से 7 जो उनका वेट होना चाहिए उससे 5 से 7 किलो ज्यादा वेट होना। मेंटेन होना बहुत जरूरी है, डेफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। कैलोरी मेंटेन मतलब कैलोरी को आप ये समझ सकते हैं जैसे कैलोरी एक मानक मात्रा है, जैसे आलू प्याज को आप किलोग्राम में तौलते हैं, कपड़े को मीटर में तौलते हैं, सॉरी नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, वैसी एनर्जी को आप कैलोरी से नापते हैं। मतलब वो एक मानक मात्रा है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी होगी या एट दैट टाइम हमारी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी कितनी है ये कैलोरी से पता चलेगा। अब यदि हम कैलोरी का इनपुट ज़्यादा है हमारी बॉडी में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में और उसका आउटपुट कम है, बाहर हम कम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो 100% है कि हमारा वजन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यदि कैलोरी का इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो यदि हमारा वजन ज़्यादा है या ओवरवेट है तो हम श्रिंक होने लगेंगे, हमारा फैट बर्न होने लगेगा, 1.5 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट। अब ये चीज आपके ब्रेकफास्ट से देखिए और डिनर का तो जो आप खाते हैं, यदि आप 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और 2000 में 2000 कैलोरी आप बर्न कर पा रहे हैं तो आपका वजन मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा न कम होगा। बट लेकिन यदि आप 2000 कैलोरी की बजाय 1500 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो बॉडी को तो चाहिए 2000 कैलोरी, तो 500 कैलोरी जो आपकी कम हो रही है रूटीन में तो बॉडी क्या करेगा, आपके जो फैट डिपॉजिट है जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ रहा है उसको बर्न करके एनर्जी बनाएगा, उससे एनर्जी डेवलप करेगा। तो कैलोरी कम करने की जरूरत, यदि आप 2000 की बजाय यदि आप 3000 कैलोरी खाएंगे तो कभी आपका वजन कम नहीं होगा बल्कि आप 3000 कैलोरी खा के उसमें से आप 1500-1600 कैलोरी बर्न भी कर ले रहे हैं तो भी आप 1500-1600 कैलोरी जो बचा हुआ है वो आपका वजन को बढ़ाए ही बढ़ाए, कम नहीं होता। हम जो डाइट शेड्यूल बनाते हैं या जो डाइट फॉलो करते हैं, जैसे जो हमारे यहाँ पे रेगुलर मतलब फ्यूल यूज करते हैं तो डिसीजन ऑन वेट लॉस प्रोडक्ट वो वजन कम करने का प्रोडक्ट नहीं है, वो दुनिया का सिर्फ एक अच्छा खाना है और सबसे अच्छा खाना साइंटिफिकली टेस्टेड होता है। बताऊंगा अभी कैसे वो 500 से 600 है। और जो स्मार्ट फूड है, स्मार्ट फूड वो मात्र आपका 195-200 किलो कैलोरी होता है, तो यहीं पे आपका 300-400 कैलोरी आपकी कम हो जाती है। यदि आप रेगुलर रोज 300-400-500 कैलोरी कम करेंगे तो एक हफ्ते में कितनी कैलोरी कम हो जाएगी आपकी, 3500। और 3500 कैलोरी यदि आप कट कर लिए तो आपका 1 से 1.5 पाउंड वजन कम हो जाएगा। साइंस बेस्ड पूरा मैथमेटिक्स है। बट लेकिन ये जो 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसमें हम 500 कैलोरी कम कर रहे हैं तो जो बचा हुआ 1500 कैलोरी का कंजप्शन है
उसमें सारे न्यूट्रिशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजन का फ्लो है, ब्रेन का जो फंक्शन है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड स्ट्रीम हो सकते हैं, उसको ब्लड स्ट्रीम का जो इंटरनल वॉल बनता है, उसका फैट ही बनता है। यदि वही फैट बॉडी से रिड्यूस हो जाएगा, आप लोग गूगल करिएगा, यूट्यूब में करिएगा, बहुत सारे एथलीट या बॉडी बिल्डर फैट कटर वगैरह आता है मार्केट से, ले खा के अपनी बॉडी से ओवर फैट हटा दिए, रिड्यूस कर दिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, बस इन तीन चीज़ों में ही चाहिए, इन्हीं तीन चीज़ों को कम करना बंद कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, माइक्रो, और ये सब माइक्रो, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो न्यूट्रिशन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंद नहीं किया जा सकता, बट इसको आप अप डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट किसी है, दुनिया का जितना खाना है सब में कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए आप यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, सिर्फ तीन चीज है, फिश, मीट और चिकन और एग होल और एग वाइट, इनमें ही कार्बोहाइड्रेट है। बाकी दुनिया का जितना खाना है, चाहे वो ग्रेन हो, चाहे आपका फास्ट फूड हो, चाहे आपके वेजिटेबल्स हो, चाहे आपका सैलेड आइटम हो, चाहे आपके फ्रूट्स के आइटम हो, सब में कार्बोहाइड्रेट है। बस वेरी करेगा सेलेक्शन में, आप यदि चावल सेलेक्ट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, यदि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल सेलेक्ट करेंगे तो कम मिलेगा। पर 100 ग्राम में क्वान्टिटी में तीनों न्यूट्रिशन यहाँ पे अवेलेबल, 90% इसमें वाटर और 10% में फाइबर प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो 90% वाटर की 0 कैलोरी हो गई, और आधा आधा मान लीजिए इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, तो 5% फाइबर, उसकी भी 0 कैलोरी हो गई। 5% इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, 5% × 4 = 20, मतलब 100 ग्राम का टमाटर यदि आप खाते हैं तो 20 किलो कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं। ऐसे यदि आप एक कुकुम्बर या खीरा को देखेंगे, 100 ग्राम का खीरा, उसमें भी 90% वाटर और 10% में फाइबर, न्यूट्रिशन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ऐसा करके, तो उसमें भी 20 कैलोरी। तो ओवरऑल मोटा मोटी आप ये दिमाग में बैठाइए, हर एक फूड को हम ऐसे डिजाइन नहीं कर पाते हैं कि जितनी लिफी वेजिटेबल्स है, मतलब रॉ फॉर्म है, वो सब 100 ग्राम में 20 कैलोरी है। यदि आप उसको 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं, मतलब 20 कैलोरी आपकी बॉडी में जाएगी। जितनी हरी सब्जियां हैं, सैलेड के आइटम हैं, चाहे वो लौकी हो, तोरी हो, कद्दू हो, आपका पालक हो, लाल भाजी हो, या टमाटर हो, प्याज हो, सब कुछ एक्सेप्ट आलू को छोड़, पोटैटो, आलू की कैटेगरी दूसरी है। सिर्फ वेजिटेबल में आलू बस इस 20 किलो कैलोरी के कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट तो हो गया सैलेड, फ्रूट्स में भी आप देखते हैं तो फ्रूट जितने भी, जैसे एप्पल 100 ग्राम का एक एप्पल है तो उसमें 50 किलो कैलोरी है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट कम रहता, तो 70% की वाटर कंटेंट है उसमें, 30% में न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट ये सब होते हैं। तो फ्रूट्स में 50 कैलोरी, जितने भी सीजनल फ्रूट्स आप खाएं वो सब 50 कैलोरी के, यदि आप 100 ग्राम खाते हैं। इसमें आपको छोड़ते हैं मैंगो और बनाना को, छोड़ दिया, ये दो फ्रूट हाई कैलोरी फ्रूट होते हैं, जैसे इसमें पोटैटो आलू को छोड़ दिए, इसमें आप मैंगो और बनाना को छोड़ दिए, ये 100 कैलोरी की कैटेगरी में आता है। यदि 100 ग्राम का आलू यदि आपने खाया तो 100 कैलोरी जाएगी सीधा,
क्योंकि वो ग्रेन्स की कैटेगरी में आता है। रोटी, एक रोटी घर में जो रोटी बनती है नॉर्मली उसका वेट 30 से 35 ग्राम का होती है। 30 से 35 ग्राम एक रोटी बनाने के लिए आटा जब आप लगाएंगे तो उसमें कम से कम 10 ग्राम पानी लगेगा। 10 ग्राम पानी की जीरो कैलोरी हटा दीजिए। 25 ग्राम बचा आटा आपका। आटे में कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों है, बीच आपका प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की दोनों की सेम कैलोरी है 1 ग्राम, 40 कैलोरी है दोनों की। तो जो 25 ग्राम 25 ग्राम आटे इंटू 4 इज इक्वल टू 100, मतलब एक रोटी आपने खाया तो 100 कैलोरी कंज्यूम की। यदि आप 4 रोटी खाएंगे तो 400 कैलोरी, 5 खाएंगे 500 कैलोरी, 8 खाएंगे 800 कैलोरी। एक रोटी जितना एक रोटी खाने में आपका पेट भरेगा उतना ही आपका एक एप्पल या एक खीरा खाने में भी पेट भरेगा। लेकिन एक एप्पल खाएंगे एक खीरा खाएंगे तो 20 से 50 कैलोरी जाएगी, लेकिन एक रोटी खाने तो 100 कैलोरी जाएगी, कैलोरी बढ़ रही। ब्रेड, ब्रेड खाते हैं हम लोग रास्ते में, एक जो बड़ी ब्रेड होती है वो बड़े साइज की, वो भी 35 ग्राम के आसपास, पर जो छोटी ब्रेड होती है वो 30 ग्राम के आसपास, दो मतलब 15-17 ग्राम की एक ब्रेड होगी, जिसमें दो ब्रेड यदि आपने खाया बटर लाटा बनाया हो तो फिर बाद में काउंट होगा। अभी सिर्फ ब्रेड की बात है, नहीं सिंपल सूखी ब्रेड तवे में आप उसको रोस्ट करके खा रहे हैं तो 30 पूरा का पूरा मैदा है, वो पूरा का पूरा उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो 25 भी मैं मान लूँगी अभी कि 25 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है इंटू 4 इज इक्वल टू 100, मतलब दो ब्रेड यदि आप खा रहे हैं तो 100 कैलोरी आपने कंज्यूम कर ली। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कितनी ब्रेड खाते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, वो आप अपना चलेगी, आपका जो माइंड सेट है आप खुद अपना कैलोरी काउंट आगे। अभी और कुछ कुछ चीज़ें हैं समझिए समझेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम क्या खाते हैं, बिस्किट जैसे खाते हैं, मारी मारी बोल बता रहे हैं। अभी जो रोटी होती है ना चावल में, आप अभी एक्चुअली में रोटी के बाद मैदे के आइटम जो है ना दो तीन जो, उससे आप बिस्किट का जो वेट होता है 5 से 6 ग्राम का होता है। 6 एक दो को बिस्किट कोई नहीं खाता, 4 कौन से खाते, चाय के साथ यदि आप खाया तो चाय तो फिर अलग उसका काउंट हो जाएगा। यदि सूखी बिस्किट भी आप पानी के साथ खा रहे हैं तो 6 ग्राम एक बिस्किट है इंटू 4 इज इक्वल टू 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 अप्रॉक्स। 4 बिस्किट आपने खा लिया 100 कैलोरी के लिए। अब जैसे फिर हम क्या सोचते हैं और हम क्या पूछते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पूछा आपने किसी स्नैक्स में क्या है, कुछ नहीं मैं 2 बिस्किट और चाय बस लिया कर सकते हल्का है करते हैं, उसमें कितनी कैलोरी बढ़ रही है, आपका वजन इसीलिए कम नहीं होता है। भूख बहुत यही है, रोटी खाया एक कटोरी चावल मतलब मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम की कटोरी 100 ग्राम को खा लेता हूँ, खूब खूब जाएगा बना हुआ चावल। यदि 100 ग्राम आपको बना हुआ चावल आप खा रहे हैं मतलब रॉ में वो 25 ग्राम रहा हो, 25 ग्राम में पानी डाल के जब आप उसको कुक करेंगे तो वो 100 ग्राम बन जाएगा। तो 25 ग्राम इंटू 4 इज इक्वल टू 100, मतलब एक कटोरी चावल यदि आपने खाया तो वो 100 कैलोरी का, एक रोटी खाया 100 कैलोरी, दो ब्रेड खा लिया 100 कैलोरी, 4 बिस्किट खा लिया 100 कैलोरी, एक 100 ग्राम आलू खा लिया, आलू की सब्जी सब्जी बना लिया तब तो और बढ़ जाएगा, तेल वेल उसमें डाल दीजिए। यदि आप बॉयल करके आलू को खा लिया आपने और कहीं आप आलू चिप्स खा लीजिए फ्राइड वाला खा लिया, उसके नीचे आएगा उसका नंबर कि उसमें कितनी कैलोरी। तो ओवरऑल ये 100 कैलोरी की कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब 20 किलो कैलोरी में आपके जितने सैलेड वाले आइटम हैं और वेज वेजिटेबल वाले, और 50 किलो कैलोरी में फ्रूट्स वाले आइटम, और 100 में आपके ग्रेन्स वाले मतलब खाना आ गया खाना, आप फ्राइड आइटम में गुलाब जामुन खा लिया,
लाकर अब हम 100 कैलोरी तक पहुंच गए हैं। अब इसकी कैलोरी कितनी होगी? गुलाब जामुन एक नॉर्मल साइज जो है 50 ग्राम का होगा, छोटा वाला मावा बाटी का 100 ग्राम का मिलता है, लेकिन वो नॉर्मल जो पार्टी आटे में मिलता है वो 50 ग्राम। लेकिन एक कोई नहीं खाता, दो तो खा ही नहीं, दो दो चाहिए। चलिए एक का ही काउंट देख लेते हैं, एक मिनट क्या कितनी कैलोरी हो 50 ग्राम। और वो भी गुलाब जामुन को सबसे आखिरी में खाता है इंसान, खाना वाना कम्प्लीट खाने के बाद पूरा मतलब गले तक खा लेगा, उसके बाद गुलाब जामुन खाएगा। गुलाब जामुन बनता कैसे है? मैदा, शक्कर, खोआ और घी, ये चार चीजों से मिलकर बनता है। मैदा और शक्कर प्योर कार्बोहाइड्रेट, और खोआ और घी फैट फाइबर। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी है और इसके 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी। तो दो आइटम 4 किलो कैलोरी वाले हैं, दो आइटम 9 किलो कैलोरी वाले, तो ऑन ऑन एवरेज अपन इसको 6 किलो कैलोरी एवरेज का बीच का। तो 50 ग्राम का है यदि एक तो 50 ग्राम इंटू 6 = 300, एक गुलाब जामुन 300 किलो कैलोरी। समोसा है, चिप्स है, ये सब यदि आप 100 ग्राम खा रहे हैं तो वो 300-400 किलो कैलोरी आपको देता है। मतलब वो ये कैलोरी है 500 किलो कैलोरी। और जितना तेल आप यूज करते हैं मतलब खूब करते हैं रिफाइन ऑयल, यदि आपने 100 ग्राम तेल डाल दिया सब्जी बना ली या जो भी बनाने में आप चिकन बना रहे हैं 100 ग्राम तेल यूज कर दिए, तो तेल की फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी है, इंटू 9 = 900 कैलोरी तो आपके तेल में तेल से ही चलिए। बाकी जो दूसरे आइटम जो आप कुक कर रहे हैं उसकी कैलोरी तो अभी आ गई। तो ओवरऑल जो तेल है वो 900,000 किलो कैलोरी। कोई सा भी ऑयल फैट है तो 900 में 9 कैलोरी होगी। दोनों होता जिसमें हमारी बॉडी के लिए जो हेल्पफुल है हार्ड हेल्प, इसीलिए मैं बोला ना फैट हमारी बॉडी को जरूरी है बट गुड फैट जरूरी है, बैड फैट नहीं। लेकिन जो मीट में जो आपको ये मीट में जो आपके जो फैट दिख रहा है चर्बी दिख रही है जो अलग से तौलवाने के बाद चर्बी को देते हैं उनको ना देना करके थोड़ा इसमें वो बैड फैट है वो दे देना। तो वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, फैट को बढ़ाता है, कार्डियक अरेस्ट को बढ़ाता है या फैट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाता है। बट लेकिन यदि आप मस्टर्ड ऑयल खाएंगे, ऑलिव ऑयल खाएंगे, कोल्ड प्रेस ऑयल खाएंगे तो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके ब्रेन हेल्थ को अच्छा करेगा ना भाई। आपके ए डी ई के ये 3-4 ऐसे वाइटामिन हैं जो फैट में रहेगा सभी को एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में, किसी भी फैट चाहिए बट अच्छी क्वालिटी। आप देखिए सुबह ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में नॉर्मली क्या खाते हैं? पूरी चटनी, पूरी दही, पूरी पराठा, पराठा थोड़ा पराठा भेजी, पोहा, उपमा, कुछ भी आप खाएंगे आपका 600 से 700 किलो कैलोरी काउंट। अब जैसे पोहा आपने खाया, पोहा चावल का बना हुआ 200 ग्राम पोहा है, 200 ग्राम पोहा को कुक करने में 50 ग्राम सॉलिड चावल रहा होगा उसका, तो 50 × 4 = 200 तो वही हो गया। फिर आपने उसमें तेल डाला, फिर आप पोहा खा के चाय पी के ही घर से निकलेंगे तो चाय में शक्कर है और पानी तो 0 कैलोरी बट दूध है, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है और लैक्टोज जो मीठा पानी
कार्बोहाइड्रेट, ऐसा करके एक चाय यदि आप पी लेते हैं तो आप 80 से 100 कैलोरी कंज्यूम करें एक चाय। दिन भर में यदि आप चार चाय पीएंगे तो 400 कैलोरी को तो ब्रेक। इसके बाद जब आप फाइनली फैमिली के साथ बैठ के डिनर करेंगे तो वो 1200 से 1400 किलो कैलोरी। अब इसको आप जोड़ लीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को काउंट कर लीजिए। मान लीजिए मैं मिनिमम साइड ही जाता हूँ 600, 200, 1000, 200 और 1200, 800, 1000, 2000, 3000, 3800, मतलब ओवरऑल 3200 किलो कैलोरी एकदम मिनिमम साइड की बात कर रहा हूँ। और इसमें हम बर्न कितना करते हैं, 2000 कैलोरी आपको बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस 2000 कैलोरी के लिए मैंने बताया था इसमें 1200 से 1300 कैलोरी तो हमारा ब्रेन यूज कर देगा बॉडी को कंट्रोल करने में, बॉडी का फंक्शन मेंटेन करने में। तो 1200-1300 कैलोरी यहाँ यूज हो गई और जो बची 600 से 700 कैलोरी वो आपके डेली एक्टिविटी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पलक झपक रहा हूँ और मूवमेंट कर रहा हूँ, आराम से चढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसमें बर्न हो जाएगी। तो ओवरऑल 2000 कैलोरी तो अपने आप बर्न हो जा रही है। उसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल एकदम हुआ है ना, वॉकिंग करते ना, ब्रिस्क वॉक करते ना, स्विमिंग करते ना, एक्सरसाइज करते ना, रनिंग करते ना, तो जो 1200 कैलोरी आपकी बढ़ रही है तभी आपका वजन कम नहीं होगा। कितने भी आप जल्दी कर रहे हो उतना भी ताकत लगा। तो ओवरऑल हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी को चाहिए कितना, 2000, तो हमको कितनी कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो आपका वजन नहीं बढ़ता, तो
प्रयोग में कोलेस्ट्रॉल होता है, बट एक वाइफ में 10 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, लेकिन उसका फैट देखिए 0.06 है, कितना कम। तो आपको भूल एक नहीं खाना है, वाइफ खाना वाइफ का चिकन में, जो लोग चिकन या मटन या फिश एज अ प्रोटीन के लिए खाते हैं, 100 ग्राम चिकन में 17 से 22 ग्राम प्रोटीन, बट 100 ग्राम सोया चंक्स में सोया कितनी बड़ी आती है उसमें 50 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम। और ये प्लांट बेस्ड भी है, सोया चंक्स में जो फैट का परसेंटेज है लेस देन 1% भी कम है, 1% से कम, लेकिन वही चिकन और मटन में फैट ले चुकी है। वेट मैनेजमेंट या वेट रिड्यूस करने या मैक्सिमम फ्री लाइफ बनाने, बट लेकिन डाइट को समझना, मतलब हम हर क्षेत्र में जानकार नहीं हो सकते, किसी न किसी उस क्षेत्र के जानकार से कंसल्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास बैठना पड़ेगा, वो एक्सपर्ट हमको गाइड करेगा और वो आपके बॉडी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके फूड के सिलेक्शन को बताएगा, देन आप उसको कंटिन्यू करके अपना हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कैलोरी मैनेजमेंट, आप उसको भी देख लीजिए, इसके आप उसको आप फोटो ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, लो कैलोरी में कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड यदि लो कैलोरी में कंप्लीट फूड लेना है तो वह सारे चावल खाने की जो इच्छा है उससे मन बिल्कुल भट गए, उसके लिए क्या किया, चावल की जगह क्या लेना चाहिए? चावल सिंपल खाना है, और चावल खाते हैं वो विदिन 15-20 मिनट में ब्रेक डाउन होकर ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, इसीलिए चावल खाने के बाद जल्दी भूख, रोटी खाने के बाद थोड़ी देर में, क्योंकि रोटी में कॉम्प्लेक्स खाता है, चावल की जगह आप मिलेट्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब कोदो कुटकी ज्वार बाजरा, तो वो जो मोटा अनाज है उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, फाइबर ज़्यादा है, और फाइबर खुद का जैसे वो डाइजेशन में हेल्प करता है और लंबे समय तक हमारे पेट को भरा रखता है, जैसे कि जैसे आप सलाद खाइए, सलाद आपको खाइए तो आपको लंबे समय तक पेट भरा भरा टाइम लगेगा, क्योंकि मोर फाइबर, फाइबर ज़्यादा है, फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, आपके कोलेस्ट्रॉल को फील कराएगा और डाइजेशन में हेल्प करें। तो खाने के पहले भरपेट सैलेड खा लीजिए, उसके बाद चावल थोड़ा सा ले लीजिए और दाल ज़्यादा लीजिए और सब्जी ज़्यादा लीजिए, पहले चावल के साथ दाल सब्जी खाते हैं। सारी योगा हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में कराया जाता है, सब अच्छा लगता है,